मैंने अभी जश्न में कहा कि वसुंधरा राजे कहाँ गायब हो गई है, और ये लोग इतने बोल रहे हैं, इनमें आपस में कॉम्पिटिशन हो गया है कि वसुंधरा का विकल्प के रूप में कौन बन सके हैं उसके अंदर। एक तो बनता बनता वो प्लेन कैश हो गया, वो पकड़ा गया ऑडियो टैप के अंदर, केंद्रीय मंत्री, नाम तो तुम ले लो एक ही बात है, नाम तो तुम ले लो एक ही बात है। मैंने अभी जश्न में कहा कि वसुंधरा राजे कहाँ गायब हो गई है, और ये लोग इतने बोल रहे हैं, इनमें आपस में कंपटीशन हो गया है कि वसुंधरा का विकल्प के रूप में कौन बन सके हैं उसके अंदर। एक तो बनता बनता वो प्लेन कैश हो गया, वो पकड़ा गया ऑडियो टैप के अंदर, केंद्रीय मंत्री, अब नाम तो तुम ले लो एक ही बात है, और उनके ऊपर वो शानदार केस बना हुआ है इथोपिया में प्रॉपर्टीज का और लोगों लूटने का। आज राजस्थान के लोग लूट गए उनसे, वो कौन सा उनकी कंपनी है संजीवनी, जवाब दे नहीं रहे उसका, और मोदी जी उनको अभी तक ड्रॉप कर नहीं रहे हैं। उनको चाहिए कि उनका तो प्लेन पहले ही कैश हो गया, ऊपर चढ़ रहते ही मुख्यमंत्री के सपने देखते थे, नीचे आ चुके हैं वो, तो खाली ट्वीट करते हैं, दिन भर ट्वीट करते हैं। अरे ट्वीट करना बंद करो, पानी की चिंता करो। राजस्थान में जो 13 जिले की योजना है, मैं तो कहीं योजना है मैंने नहीं बनाई है, पूर्व सरकार ने बनाई है, ठीक है। वो योजना में अगर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब लग जाएंगे तो राजस्थान में लोग अप्रिशिएट करते हैं उनको। इतनी बड़ी वो योजना 40,000 के लगभग करोड़ की योजना वो है, हमने वापस हाथ में लिया। प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट की मैंने, आपने जयपुर में अजमेर में चुनाव रैलियों के पहले आपने वादा किया था कि मैं वापस जीत के आऊँगा, राष्ट्रीय घोषणा करूँगा इस नीति की, इस योजना को राष्ट्रीय घोषित करूँगा, राष्ट्रीय स्तर की घोषणा करूँगा। वो 13 जिलों की पानी की योजना, उसको मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूँगा, अभी तक की नहीं है। मैंने परसों लेटर लिखा उनको, और इन मुद्दों पे विपक्ष हमारा साथ दे, हम सब मिलकर के केंद्र से लड़े हैं, ये होना चाहिए।